सारे के सारे प्राकृतिक स्रोतों से ही चीज़ों का निर्माण होता है, और जब से इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तब से पुरोहित वहाँ पर दिन में कई दफ़े उनकी पूजा करते हैं। हर जगह जो है समय निर्धारित होता है, मुहूर्त होता है, मुहूर्त पे पर ढाकिए वाले अपनी ढाक पर माता रानी को पूजा अर्चन करते हैं, आरती होती है। आरती के साथ साथ जो पुरोहित होते हैं वो नृत्य करते हुए उनकी आरती करते हैं। इसी तरीके से जैसे वो दैत्यों का संहार करती हैं, उनके पूजन से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अकाल बुद्ध, मतलब कि जब उस समय ये पूजा करी गई राम जी द्वारा, राम जी द्वारा और रावण द्वारा, रावण को उन्होंने अपना अपना पंडित, अपना ब्राह्मण बना के, और राम जी ने रावण के वध के लिए ही ये पूजा करी थी, और इस पूजा को रावण द्वारा संपादित किया गया था। और ये उस समय पूजा हुई जब सारे देवताओं ने हाथ जोड़ लिए थे कि इस समय कोई पूजा नहीं हो सकती थी, और राम जी का 14 साल का वनवास भी पूरा होने वाला था। बोला तो जाता है, बंगाल में तो ये बोला जाता है कि माँ ने स्वयं 108वां जो कमल था वो अपने हाथ में ले लिया, छुड़ा लिया।